प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है, जिसमें कई सारे बड़े निवेशक और देश के उद्योगपति शामिल हुए। इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं समिट के जरिए प्रदेश में 25 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है, जिससे प्रदेश की जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, वहीं विकास के पहिए को भी गति मिलेगी। हमारे संवाददाता अविनाश ने समिट को लेकर युवाओं से बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको युवाओं के क्या उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश का आज ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स की जो शुरुआत हुई है वृंदावन योजना से, टेंट सिटी से की गई है। लाखों लोग जो विदेश के निवेशक हैं यूपी में आए हैं, और जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी निवेश करने आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है 1 ट्रिलियन का, उसको पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी है, जो उत्तर प्रदेश के लोग जो युवा थे वो बाहर काम करने के लिए जाते थे, उसको लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बाहर नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा। हम बातचीत करेंगे कुछ युवाओं से, जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज का इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इससे क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी युवाओं की। आज जो ग्लोबल इन्वेस्टर की शुरुआत हुई है, 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में होने जा रहा है, प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस इन्वेस्टर समिट से? इन्वेस्टर हो रहा है भाई, अच्छी बात है, बट इन्वेस्टर के साथ साथ अगर रोजगार पे भी इन्वेस्ट किया जाए तो लोगों के लिए और अच्छा होगा और भलाई हो जाएगा, क्योंकि से जितना भी मिल रहे हैं सब बेरोजगारी घूम रहे हैं। बीटेक एमटेक बेचारे कर करके 10-10, 5-5 हज़ार का ठेला लगा रहे, क्या मिलने वाला है? ये जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है वो जगह पे इन्वेस्ट करने की जगह पे कहीं नौकरी के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करती तो शायद यूपी में या लखनऊ में आज लोग तरक्की पे होते, थोड़ा बहुत तो ग्रोथ होता ना इंडिया का या लखनऊ का होता। बट जैसा भी कर रही है सरकार अच्छा ही कर रही है, शायद भलाई के लिए वो लोग सोच रहे होंगे, पर जो आज के युवक हैं उनके लिए तो भला कैसे नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इन्वेस्टर का उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किया है, जो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो इससे युवाओं के जो बेरोजगारी है वो दूर होगी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो तो अच्छा ही है, बट अगर उसके साथ साथ युवाओं का भी रोजगार के लिए कुछ सोचा जाए तो और अच्छा हो जाए, उसी कंपनी में अगर सोचा जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बट अब योगी जी अगर सोच के रखे तो शायद कुछ अच्छा ही सोच के रखे। क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? उम्मीद तो भाई देखो, जब से सरकार बनी तब से तो उम्मीद ही पे जी रहे हैं, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी, हम लोग भी उन्हीं के सारे टिके हैं। अब देखते हैं कहाँ तक टिक पाते हैं, बाकी तो इंडिया ना सही तो दूसरी कंट्री रुख करना पड़ेगा। पर कभी कभी ये हैरानी होती है कि इंडिया में रह के इंडिया के लिए जॉब नहीं मिल रही है तो फिर बाहर जाके भी क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रियाज, डॉक्टर रियाज। रियाज, आज इन्वेस्टर समिट हो रही है, 25 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट यूपी में होने जा रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं रोजगार को लेकर युवाओं के, खासतौर आप लोगों की? ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे जॉब बढ़ेगी, लेकिन युवाओं को जॉब मिलेगा वही हमें चाहिए, ठीक है? जितने युवा बेरोजगार हैं उनके लिए बेहतर हो, यही हमारी मतलब सोच है कि बेहतर हो जाए, जितना भी है उतना बेहतर हो जाए। तो सरकार के तरफ से आज इन्वेस्टर समिति का कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या लगता है युवाओं को रोज़गार मिलेगा यूपी में, नए हब तरीके से नई कंपनियां आएंगी और युवाओं को रोज़गार मिलेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं तो जाहिर सी बात है जॉब बढ़ना चाहिए और युवाओं को जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि बेचारे अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी हो ठीक है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, कोई डिप्लोमा डिग्री ले रहा है, तो उसको जॉब होना चाहिए, उसके लिए जॉब होना चाहिए। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, युवा क्या सोच रहा है, क्या माइंड में है युवा के, क्या उम्मीद है सरकार? उम्मीद यही है कि मतलब जॉब मिले हमें, जितने युवा हैं उनको जॉब मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब क्या नाम है, जॉबलेस लोग बहुत लोग हैं, वैकेंसी बनेगी, वैकेंसी खुलेगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत अच्छी बात है ये तो। कुछ लोगों से और हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टर समिट हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अफ्ताब है। मतलब मेरे नाम से आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हमारे विचारों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से जिस तरीके से आज इन्वेस्टर समिट हो रहे, 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में होने जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जाए, बेरोजगारी दूर हो, कैसे देखते हैं, क्या सोचता है युवा? नहीं नहीं, देखो प्रयास तो गवर्नमेंट का कहा जाए तो किस हिसाब से बेहतर ही है, लेकिन जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर अगर देख रहे हैं तो कितने लोग परेशान हैं महंगाई से लेकर,
और इतने लोग हैं जो ग्रेजुएट होकर भी आप जॉब ले साल घूम रहे हैं, वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। यहाँ तक कि एसएससी की बात करें तो 5 साल हो गए अभी तक एसएससी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इस मुद्दे पे भी लोगों को ना गौर करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। लेकिन जो आज जिस तरीके से 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में हो रहा है, इसमें युवाओं की क्या सोच है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, पर्याप्त उम्मीदें हैं सरकार, ठीक है। देखो, उम्मीदें तो हम लोगों को है ही, गवर्नमेंट से रहेगी उम्मीदें, ना कि आम जनता से रहेंगी। तो गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा कर रही, देखते हैं अभी क्या होने वाला है। और रही बात है जो वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एसएससी का लड़का कोई आया, मान लीजिए इलाहाबाद गया है, लखनऊ आया है, तो वो फॉर्म नहीं आ रहा है ना, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो घर वालों को कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं ना गवर्नमेंट से, कहीं ना कहीं उम्मीदें टूट रही ना उनकी। जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, सिर्फ बेरोजगारी दूर होगी? दूर होगी अभी तो कह सकते हैं, प्रयास गवर्नमेंट का जारी है, लेकिन अब उम्मीदें हम लोग कर रहे हैं बेहतर होना चाहिए, आई होप बेहतर भी होगा। लेकिन अभी तो कुछ हमको ऐसा लगा नहीं है, अभी इतने साल से गवर्नमेंट है, 6 साल की केंद्र में सरकार है और यहाँ पे इनकी 6 साल पूरे होने वाली है, और नहीं केंद्र में तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 6 साल तो पूरा होने वाला है, दूसरी पारी है। तो वही ना, कुछ पता लग नहीं रहा डेवलपमेंट का कुछ। सरकार का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं बेरोजगार हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ स्टेट में भी हैं, अगर अब ना कर पाए तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा चांस कभी मिलने वाला है उनको, इस गवर्नमेंट को। बिल्कुल, जिस तरीके से आप सुन रहे थे ये राजधानी लखनऊ के युवा हैं, इनको काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 1 ट्रिलियन का सपना है उसको लेकर भी युवाओं के अंदर एक सोच है कि जिस तरीके से आज इन्वेस्टर समिट हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा। अब तो देखने वाली यह बात होगी कि जिस तरीके से